कलेक्टर बनने से ज़्यादा मुश्किल होगा शिक्षक बनना। आई होप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी मिलने से पहले MHRD नव शिक्षा मंत्रालय मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का ये स्टेटमेंट आपने अवश्य सुना होगा। अब जबकि नई शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को मंजूरी मिल गई है, तो क्या रहेगी इस स्टेटमेंट की हिडन स्टोरी, चलिए जान लेते हैं। TET/CTET परीक्षा हुई और कठिन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NEP 2020 नई शिक्षा नीति में TET और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। साथ ही TET को भी विस्तृत किया जाएगा और संबंधित विषय में TET/NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो इससे आपको कंफर्म हो चुका है कि अब ये जो परीक्षा होगी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होगी, जो ऑलरेडी देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं को कंडक्ट करती रहती है। और साथ ही साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। साथ ही घरेलू भाषाओं में छात्र बातचीत कर सकें, इसके लिए भाषा प्रशिक्षण की भी विशेष महत्ता रहेगी। और सरकारी के साथ निजी स्कूलों में भी TET की समान बाध्यता रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 में अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि TET टेट मार्क्स को अनिवार्य रूप से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा या नहीं, लेकिन इतना क्लेरिफिकेशन जरूर दिया गया है कि अब स्किल टेस्ट और साक्षात्कार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न अंग होगी। साथ ही इसका आयोजन अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एग्जाम्स लाइक NET, PhD, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का लेवल अब कितना हाई रहेगा। साथ ही ये भी बताया गया है पहले की भांति कि टेट अब भी निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों में शिक्षण हेतु अनिवार्य होगा। आपको शायद ध्यान होगा कि कुछ समय पहले NCTE द्वारा टेट परीक्षा के मॉडिफिकेशन को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, जिसका मेन मकसद था कि TET परीक्षा का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए। और इसी संदर्भ में UP TET इनवैलिड मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार दिया था कि इसका स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई किया जाए। और साथ ही राज्यों द्वारा ये सुझाव दिए गए थे कि वैलिडिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। दैट्स मीन कि जैसा कि हम जानते हैं कि टेट जो राज्य स्तर पे और CTET जो केंद्रीय स्तर पे, टेट की वैलिडिटी 5 वर्ष और CTET की 7 वर्ष होती है, इसको बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया जाना चाहिए। साथ ही दूसरी ये भी बात हुई थी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी अभी फ़िलहाल कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए ये सुझाव दिया गया कि मैक्सिमम अधिक तब 3 बार ही इस परीक्षा में सम्मिलित हुआ जा सकता है। तीसरा ये भी सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक सेक्शन कटअप की बात कही गई थी। दैट्स मीन कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी लेवल में CTET और TET परीक्षा के 5 भाग होते हैं और अपर प्राइमरी लेवल में 4 पार्ट्स होते हैं। तो सेक्शन वाइज कटअप मीन्स कि हर सेक्शन में, हर पार्ट में स्टूडेंट का क्वालिफाई होना जरूरी है, देन आफ्टर तभी ओवरऑल उसे उस पेपर में क्वालिफाइड माना जाएगा। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िलहाल में टेट या CTET में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सुझाव ये भी दिया गया कि अब टेट और CTET की परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान रखा जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए ये सभी बातें समय समय पर उठती रही हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट में फ़िलहाल ऐसा मेंशन नहीं है, जो एक राहत की बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि उपरोक्त सभी सुझावों का इम्प्लीकेशन राज्य की मोनोपोली पर निर्भर करेगा कि वह किन मानकों या
सुझावों को अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लागू करता है या नहीं, क्योंकि ये किसी भी राज्य का विशेषाधिकार होता है कि वह अपने हिसाब से रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकता है। अभी भी ये क्राइटेरिया सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कहीं टेट के मार्क्स के आधार पर और एकेडमिक मार्क्स को कंबाइंड करके मेरिट लिस्ट तैयार होती है, वहीं यूपी जैसे कई राज्यों में टेट क्वालिफाइंग को टेट क्वालिफाइड को सुपर टेट में अपीयर होने के लिए ही मान्य माना जाता है। आपको ये समग्र विश्लेषण पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय।